कच्छ अंजारम श्रमजीवीओनो वतन जवा माटेनो होबाळो, नायब कलेक्टर कचेरी सामे टोळा एकत्रित थया, सोशल डिस्टन्सनो अभाव, वतन जवानुं नक्की होवा छतां ट्रेन रद्द कराता श्रमिकोमां जोवा मळ्यो गुत्तो गुस्सो, पोलीस घटनास्थळे पहोंची, सोशल डिस्टन्सना उड्या धजागरा, प्रशासन द्वारा खावा पीवानी व्यवस्था न कराई होवानो पण आक्षेप। ગઈકાલે રાત્રે અંજાર નાયબ કલેક્ટર કચેરી સામે ભેગા થયેલા મજૂરોની અસરથી 200થી વધુ મજૂરો એકઠા થયા હતા। તેમની એક જ માગણી હતી કે અમારા વતનમાં અમને મોકલી આપો, કોઈ પણ હિસાબે, ટ્રેન ભલે ગઈકાલે રદ થઈ હોય, અમને અમારા વતન જવાની એક જ વાત તેઓ કરી રહ્યા હતા। પરપ્રાંતિયો, અમારી ટિકિટ અમે મેળવેલ છે, અમને અમારા ગામમાં અમારા વતનમાં પહોંચાડો તેવી વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે કલેક્ટર કચેરીએ, અને વાહલા દહલા દવડાની નીતિ જોવા મળી રહી છે। મજૂરો થઈ રહ્યા છે, ટિકટ કી બાત આઈ તો લોક બોલે કે ટિકટ જો ભી કટા હૈ उसके पैसा रिटर्न हो सकता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पैसा रिटर्न करना था तो उस दिन टिकट क्यों काटा गया? एक मजदूर जाके वहाँ पे लाइन में पूरा दिन खड़ा रहा, पूरा धूप में खड़ा रहा, आज वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा रिटर्न हो सकता है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या यही रूल है, कभी अलाउ करना है कभी कैंसिल करना है? उसमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा टिकट का पैसा वापस करा जाएगा, ज्यादा भी देने के सरकार बोल रही है कि हम 150 ज्यादा दे रहे हैं। क्या हम लोग मजदूर भीख मांग रहे हैं? क्या हमारे मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं? मैं ये सरकार सीएम यूपी के भी पूछ रहा हूँ और यहाँ गुजरात के भी सीएम से पूछ रहा हूँ। मैं सभी लोग से यही अनुरोध है, हमारा लेबर के भी जो भी अनुरोध है वो यहाँ से जाने की मांग कर रहे हैं। और मतलब क्या व्यवस्था करेंगे वो लोग लास्ट में यहाँ पे कोई व्यवस्था करने का वो जिम्मेदारी नहीं लिया। कुछ लोग यहाँ पे अधिकारी आए, वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तुमको आज के लिए रख रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन काल के बाद वो कहाँ रखेंगे हम लोग? हम कहाँ रहेंगे? जो कि आपने रूम लॉक करके आ चुके हैं, मकान मालिक अगर नहीं जाने देगा तो कल 2 दिन के बाद वो कहाँ जाएंगे? क्या रोडों पे भटकेंगे तो इससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या? ओके ओके।